छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में महज 4 महीने ही शेष बचे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, छत्तीसगढ़ में जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। कल बिलासपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की चुनावी सभा हुई, इसके तुरंत बाद जो है बिलासपुर में ही छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के महामंत्री लल्लू सिंह ने आप में प्रवेश किया। क्या है माजरा, हम सीधे बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुबेंडे। लाखों की संख्या में आम आदमी पार्टी का जो महारैली संपन्न हुआ जी, और ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, आज छत्तीसगढ़ के लोगों को भी भरोसा है, उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी ईमानदार सरकार हो और यहाँ दिल्ली और पंजाब की तरह काम हो। छत्तीसगढ़ में अब तक 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करी, 8 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन छत्तीसगढ़ जो कि ऐसा राज्य है जहाँ पे सारे खनिज हैं, बिजली यहाँ पैदा होती है, जंगल है, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के लोग गरीब हैं, इसलिए लोग परेशान हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं। पूरे प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर तक, गांव गांव घर घर तक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं और जो रिस्पांस मिल रहा है इससे बात तो स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। और ये बात कल के जो महारैली है जिसमें जन सैलाब उमड़ा हुआ था उससे बात स्पष्ट भी होता है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार हमारे संपर्क में हैं। कल जो किसान नेता है प्रदेश में उनका नाम है, रायगढ़ जिले से हैं और कांग्रेस पार्टी के किसान विंग के प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं जो कि कल आम आदमी पार्टी के सदस्य में हैं। और लगातार इस तरह से अलग अलग प्रोफेशन के लोग भी और अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हमसे संपर्क में हैं, समय आने पर सारे लोग ज्वाइन करेंगे और आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। भूपेश बघेल जी को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आपने जो 36 वादे किए थे सारे वादे आपने छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के लोग परेशान है, त्रस्त है। आपने कहा था कि गोबर बेच के यहाँ पे लोग लखपति करोड़पति हो गए, कहाँ हुए लोग? पूरे प्रदेश में एक भी बंदा दिखा दे हम मान जाएंगे। छत्तीसगढ़ में उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में घर घर में एक ना एक बेरोजगार है। फर्जी आंकड़े भूपेश बघेल जी पेश करते हैं, काम की बात इस देश में कोई करता है तो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। काम की राजनीतिक शुरुआत उन्होंने की है, यदि उन्होंने हेल्थ की बात की तो दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया, एजुकेशन की बात की दिल्ली में करके दिखाया, महिलाओं की बात की, किसान की बात करें पंजाब में हमने करके दिखाया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन फर्जी काम कोई करता है तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी करते हैं और दोनों मिलके भी करते हैं। प्रदेश में किसी एक गांव में जाके बता दें, हर गांव में हम जाके देखेंगे नालियां टूटी हुई है, पाइप टूटे हुए, नल टूटे हुए, पानी किसी घर तक पहुंचा ही नहीं जाती। फर्जी आंकड़े भारतीय जनता पार्टी पेश करती है और वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए लोग त्रस्त है और इसलिए बदलाव चाहते हैं। आप देखेंगे कि नवंबर में जो चुनाव होगा छत्तीसगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएंगे, दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से परिणाम आए थे ठीक वैसे ही ऐतिहासिक परिणाम छत्तीसगढ़ में आएंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुबेंडे, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी का कुनबा तेजी से बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से लगातार माहौल खराब होता चला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और कई जगहों पर हमारी जो है खाता खुल सकता है। रायपुर से amarujala.com के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।